माय प्यार क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। तो आज के इस वीडियो में हम वाकाटक वंश के संपूर्ण इतिहास के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाकाटक वंश, वाकाटक वंश के जो प्रमुख शासनकर्ता था नंदीवर्धन वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये वाकाटक वंश का प्रमुख शासन क्षेत्र था। और इस समय जो है दक्षिण वाले हिस्से में नलवंशीय शासकों का शासन था, और उत्तर उत्तर छत्तीसगढ़ हम देखते हैं तो सरवपुरी या पांडु वंश के शासकों का प्रमुख शासन था। और यदि हम वाकाटक वंश को भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखते हैं तो उस समय हमारे भारत में गुप्त साम्राज्य का शासनकाल था, और गुप्त साम्राज्य को जो है हमारे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये तो मेरे अनुसार हो गया जो कुछ महत्वपूर्ण आईएमपी हैं वाकाटक वंश के बारे में, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो वाकाटक वंश की जो राजधानी थी नंदीवर्धन, जो कि वर्तमान नागपुर है, इसका जो संस्थापक राजा था विंध्य शक्ति, और इसने 255 ईसा में जो है वाकाटक वंश की स्थापना की थी। इनका जो प्रमुख शासन काल माना जाता है तीसरी सदी के मध्य से लेकर छठवीं सदी तक। मोस्ट टाइम भी है वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन जो कि नागपुर है वर्तमान में, इसका संस्थापक विंध्य शक्ति, 255 ईसा में इन्होंने वाकाटक वंश की स्थापना की थी, इनके द्वारा किया गया था, और इनका जो शासन काल था तीसरी सदी के मध्य से लेकर छठवीं सदी तक। इनका जो प्रमुख शासन क्षेत्र था भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम देखते थे हम, तो यहाँ पर जो है बराड़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी क्षेत्र था, इनका प्रमुख शासनकाल था वाकाटक वंश का। वाकाटक वंश के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है मुख्यतः वायु पुराण और अयोध्या लेख से हमको पता चलता है वाकाटक वंश के बारे में, क्योंकि यहाँ के जो वाकाटक वंश का जो लेख मिला है अयोध्या अभिलेख में, वहाँ पे वाकाटक वंश हेतु वाक्य का प्रयोग किया गया है राजा विंध्य शक्ति के बारे में, जिसे इस वंश का संस्थापक माना गया है। किंतु इस वंश का जो है वाकाटक नाम क्यों रखा गया, यह आज भी इतिहासकारों के लिए संशय का विषय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मध्य क्षेत्र में किसी गांव का नाम वाकाट होगा, जहां से वाकाटक शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसी इतिहासकार हमारे मानते हैं। इनका जो एक प्रमुख राजा था पृथ्वीसेन द्वितीय, इसे वाकाटक वंश के खोए हुए भाग्य का निर्माता कहा जाता है। मोस्ट टाइम की वाकाटक वंश के खोए हुए भाग्य का निर्माता किसे कहा जाता है, पृथ्वीसेन द्वितीय को कहा जाता है। यदि हम वाकाटक वंश के जो शासक हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, इन्होंने किस तरह से शासन किया, इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है प्रवरसेन प्रथम का। और प्रवरसेन प्रथम जो था यह विंध्य शक्ति का पुत्र था और बहुत ही प्रतापी राजा था, और ये इसने क्या किया, अपने शासन को बढ़ाने के लिए इसने नागपुर से लेके दक्षिण कोसल तक अपना शासन स्थापित किया था। और इसको जो लेख है हमको दुर्ग से प्राप्त होते हैं, एक ताम्रा पूर्ण ताम्रा पत्र है दुर्ग से प्राप्त होते हैं, जिससे यहाँ पे इसके शासन का हमको प्रमाण मिलता है। इसके बाद भी इनका दूसरा प्रमुख राजा था महेंद्र सेन, क्योंकि हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसे समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया था, इन्होंने जब दक्षिण भारत विजय अभियान चलाया था उस समय जब ये दक्षिण कोसल पे आक्रमण किए थे, तो उस समय यहाँ पे शासन महेंद्र सेन का था, और इसी में इसका उल्लेख है। और महेंद्र सेन को पराजित करने वाला जो गुप्त वंश का साम्राज्य शासक था समुद्रगुप्त था। और इसी समय हमारे बस्तर और कांतर वाले हिस्से में एक और शासक के बारे में हमको जानकारी मिलती है, व्याघ्रराज, जिसे समुद्रगुप्त ने ही पराजित किया था। तो हमारे दक्षिण कोसल के जो प्रमुख राजा थे, एक महेंद्र सेन और एक व्याघ्रराज, इन दोनों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसको प्रश्न में पूछा गया था एक बार, व्याघ्रराज के बारे में भी पूछा गया था। तीसरे शासक के बारे में जब हम चर्चा करते हैं रुद्रसेन द्वितीय के बारे में, तो रुद्रसेन द्वितीय की जो द्वितीय का जो विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। किंतु रुद्रसेन की जो मृत्यु अल्पायु में होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ही शायद अप्रत्यक्ष शासन किया गया था इस क्षेत्र में, मध्य वाले जो क्षेत्र है नंदीवर्धन वाले क्षेत्र में, इन्होंने प्रभावती का सहयोग किया था यहाँ पर शासन करने के लिए। मोस्ट टाइम क्वेश्चन। नेक्स्ट हम राजा के बारे में देखते हैं प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय जो है
वाकटक वंश का प्रतापी शासक था और इसने जो है प्रवरपुर नगर की स्थापना की और अपना राजधानी बनाया। नंदी वर्षन से राजधानी ट्रांसफर किसने किया था? प्रवरसेन द्वितीय ने, और ये प्रवरपुर नगर की स्थापना किया था और इसे अपना राजधानी बनाया था। इसके द्वारा जो लिखे गए एक प्रमुख ग्रंथ है सेतुबंध, प्रवरसेन द्वितीय का एक प्रमुख ग्रंथ है सेतुबंध, जिसे रावण वह ग्रंथ भी कहा जाता है। और प्रवरसेन जो था वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो धर्म था वैष्णव धर्म, इसको भी याद रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसके जो दरबारी कवि थे महाकवि कालिदास, क्योंकि कालिदास जो है इसने मेघदूत की जो रचना है सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में की थी मोस्ट टाइम भी, और बाद में इसी मेघदूत का जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मुकुटधर पांडे जी द्वारा किया गया था। यदि हम इस वंश के पांचवें शासक के बारे में जानते हैं तो पांचवें शासक के रूप में उल्लेख है नरेंद्र सेन का, और नरेंद्र सेन जो है इसने इसको नल शासक जो था भवदत्त वर्मन, इसने नरेंद्र सेन को पराजित किया था, ऐसा रिद्धिपुर ताम्रावलेख में हमको पता चलता है। इसी पराजय से आहत होकर पृथ्वीसेन द्वितीय ने जो है नलवंशी शासकों पर आक्रमण किया, और उस समय जो है बस्तर में नलवंशी शासक था अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक को पृथ्वीसेन द्वितीय ने पराजित किया, और इस युद्ध में शायद उस समय यह भयंकर युद्ध होगा जहां पे अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो गई थी। और इसी समय पृथ्वीसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी जो है पदमपुर को बनाया था। पृथ्वीसेन द्वितीय तक ही हमको वाकटक वंश के मुख्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, किंतु इसके बाद जो एक शासक आते हैं हरिसेन, वाकटक वंश की जो एक और शाखा थी वत्सगुल्म शाखा, जिसे हरिसेन को इसका राजा माना जाता है, और इस जो वत्सगुल्म की जो शाखा है इसकी स्थापना जो है प्रवरसेन का जो पुत्र था सर्वसेन, इसने वाकटक वंश की वत्सगुल्म शाखा की स्थापना किया था। तो इसमें जो है बाद में क्या हुआ कि हमारे दक्षिण कोसल में हरिसेन के कुछ शासन के प्रमाण मिलते हैं हमारे दक्षिण कोसल में, तो इसे यह जो है वत्सगुल्म शाखा का राजा था। अक्सर जो है वाकटक वंश के जो शासक थे इनका युद्ध जो है हमारे बस्तर के शासक बस्तर और कोरापुट, यहाँ के जो नल वंश शासक थे इनके साथ इनका युद्ध होते रहता था। गुप्त वंशों के साथ जो है वाकटक वंश के मधुर संबंध थे ऐसा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने गुप्तों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। रुद्रसेन का विवाह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के साथ भी किया गया था, इसीलिए तो ये जो वाकटक वंश थे ये गुप्त वंशों की अधीनता स्वीकार करते थे, क्योंकि इनके जो अभिलेख थे उन अभिलेखों से हमको पता चलता है कि ये जो है गुप्त वंश के जब शासक का उल्लेख करते थे तो उस समय उनके लिए महाराज धीराज की उपाधि लिखा करते थे और स्वयं को राजा लिखा करते थे अभिलेखों में। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो वाकटक वंश हैं गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार करते थे। वाकटक वंश के जो हैं हमको मोहरा से मिला है सिक्का मोस्ट टाइम की, जो छत्तीसगढ़ में हमको प्रमाण मिलते हैं, और इनके जो ताम्रपत्र दो प्राप्त हुए हैं, एक तो है राजीव गरियावन से और एक है अरवार जानवीर चापा से मोस्ट टाइम की, और जो प्रवरसेन का जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है दुर्ग के मोहला से प्राप्त हुआ है, ये मोस्ट आईएमपी है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं।